हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेस्टी और क्विक वेज बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही जल्दी बना लोगे, तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है 2 कप राइस। अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है तो आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। मैंने इसे अच्छे से धो लिया था। अब धोने के बाद इसे करीब 10 मिनट के लिए साफ पानी में भिगो देना है। 10 मिनट के बाद मैं इसे कुकर में निकाल लूँगी और अब इसमें हम डालेंगे करीब 1 गिलास पानी। पानी का अंदाज बहुत ही सोच समझ के रखिएगा। मैंने यहाँ पर करीब 1 अंगुल पानी लिया है, इतना। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच देसी घी और इसे करीब 2 सीटी आने तक पका लूंगी। इसमें ज़्यादा सीटी ना लगाएं। अब मैंने सोया चाप को गोल गोल आकार में काट लिया है। आप चाहें तो आप इसमें कोई भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज ली है और मैंने मसालों में ली है 1 बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और स्टार एनिस बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, और 1 तेज पत्ता। स्टार एनिस को चक्रफूल भी कहते हैं। अब देखिए, अपने चावल को पक जाने के बाद हम चेक करते हैं और ये अच्छे से पक गया है। तो इस तरीके से करके मैंने इसे चला के रख लिया है। अब मैंने एक पैन में तेल गरम किया है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी और इसको इस तरीके से मिला दूंगी। अब मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज को करीब 5 मिनट तक हम पकाएंगे। हमने इसमें तेल का यूज़ बहुत कम किया है। अब मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों, इसे डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे डालने से। अब मैं इसमें सारी सब्जियाँ मिला दूंगी। आप चाहें तो आप अपने मन की कोई भी सब्जी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है मशरूम और सोया चाप। अब इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालने के बबाद इसमें डालेंगे हम 1 स्पून हल्दी और 2 छोटी स्पून पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी मटर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम करीब 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम लिड को हटा के देखेंगे और इसको इस तरीके से चला देंगे। अब मैंने इसमें डाले हैं काजू। काजू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें कम काजू डाले हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें जो पका हुआ चावल था उसे मिक्स कर लिया है और इसको इस तरीके से हमें अच्छे से मिलाना है, ये पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें डाला है करीब 1 टेबल स्पून दही, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका, और इसको इस तरीके से मिला लिया है। हमारी टेस्टी वेज बिरयानी अब बनके तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दही और पुदीने की चटनी बनाई थी, जो कि इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसे खिलाने वाली हूँ अपने बेबी को, जिसको ये बहुत पसंद है। तो देखते हैं इसे कैसा लगता है। अच्छा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।